अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हुआ है, इसी बीच विश्व के ऊपर एक और युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ये युद्ध ईरान और इजराइल के बीच हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com, मैं सत्येंद्र शर्मा। तेहरान में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत से ईरान तिलमिलाया हुआ है। हमले के बाद से ही ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है। एक मीडिया संस्थान ने अपने लेख में कहा है कि इस बार इजराइल के भीतरी क्षेत्र को टारगेट किया जाएगा। लेख में कहा गया है कि पहले के हमले के उलट इस बार बड़ा टारगेट होगा और तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाया जाएगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई द्वारा प्रतिबंधित अखबार कहाना के लेख में कहा गया है कि पिछली बार ऑपरेशन में ईरान ने सिर्फ कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था। आगामी अभियान इजराइल के अंदरूनी इलाकों जैसे तेल अबीब और हाइपा रणनीति केंद्रों और हानिया की हत्या में शामिल इजरायली अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया जाएगा। लेख में कहा गया है कि इस बार का हमला बड़ा खतरनाक होगा, जिसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होगा। पिछले हफ्ते मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बाद पेंटागन ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि अमेरिकी मध्य पूर्व में एक अतिरिक्त लड़ाकू स्क्वाड्रन तैयार कर रहा है। साथ ही ऐलान किया गया है कि इजराइल की रक्षा और अमेरिकी सेना की सुरक्षा में मदद के लिए अतिरिक्त क्रूजर और विध्वंसक जहाज की भी तैनाती की जाएगी। पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा कि यूएस अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत मध्य पूर्व में यूएस थियोडोर रूजवेल्ट की जगह लेगा। यूएन में ईरान के स्थायी मिशन ने चेतावनी दी है कि मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर फुआज शुक्र की हत्या के बाद समूह इजराइल के अंदर और बड़े और गहरे नागरिक और जन ठिकानों पर हमला कर सकता है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या हिजबुल्लाह फिर से ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों द्वारा इजराइल पर एक साथ किए जाने वाले जवाबी हमले का हिस्सा होगा या फिर वह अपना अलग हमला करेगा। माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 लाख मिसाइलों और रॉकेटों का भंडार है, जिनमें से कुछ लंबी दूरी तक मार्च करने वाली हैं। मसलन अगर इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो इजराइल के आयरन डोम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लंबी दूरी की मिसाइलें इजराइल के अंदर ठिकानों को निशाना बनाने में कारगर हैं। इजरायली सेना, जो कि फिलहाल गाजा में है, ने दक्षिण और उत्तर में एक साथ दो मोर्चे पर जंग लड़ने से सक्षम नहीं होगी। दरअसल हमास चीफ इस्माइल दुनिया मंगलवार को ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद फेजेकिसियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। इस दौरान हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई से भी मुलाकात की थी। इसके अगले ही दिन यानी कि बुधवार की सुबह इजराइल ने उसके घर को ही उड़ा दिया, जिसमें इस्माइली हानिया ठहरा हुआ था। इस्माइली हानिया के मौत के बाद से कतर ईरान तिलमिलाया हुआ है और इजराइल से बदला लेने का बात कर रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।